आइए दोस्तों, आज आपको सैर करवाते हैं लाल किला यानी रेड फोर्ट की। मुगल्स के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत किला जिसको लाल किला कहते हैं। और ये किला तब बनाया गया था जब शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया था। इस किले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जैसे ही आप इस किले में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी लाहौरी गेट, और इसके बाद अभी जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये है उस टाइम का बहुत ही बड़ा बाज़ार जिसको छत्ता बाज़ार कहते थे, और ये मुगल्स की रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था। आज भी ये मार्केट काफ़ी चहल पहल में है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं। तो इस वाले व्लॉग में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि इस किले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और अभी जो विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, जहाँ पे महफिल सजती थी और लोग अपनी फरियाद बादशाह तक लेके आते थे। यहीं पे सामने जो आप देख रहे हैं, ये है तख्त ताउस, जहाँ पे बादशाह बैठा करते थे और आसपास लोग आते थे, बैठते थे अपनी फरियाद लेके। यहाँ पे आगे जो आप एक टेबल जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता था जो पर्चियाँ वगैरह लोगों से पकड़ के बादशाह तक पहुँचाता था। तो ये है दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों की फरियाद बादशाह सुनते थे और उस पर कुछ काम वगैरह जो भी होता था वो करते थे। तो आज भी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल लगी रहती है। इसके बाद आगे आप जब जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, एक नहर भी, जब उस टाइम की नहर, उसको नाम रखा गया था नहर बेश्त। आज तो यहाँ पर पानी वगैरह उसमें नहीं है, लेकिन मैं तो भी आपको दिखाऊँगा कि क्या थी वो नहर बेश्त। के बाद भी बैक साइड आप जाएंगे, वहाँ पर है हमाम वगैरह, जहाँ पर मुगल्स अपनी रॉयल फैमिली वगैरह जो भी थी उनकी, वहाँ पे जाके हमाम में बैठते थे और नहाने वहाने का सिस्टम वहीं पे होता था। तो चलिए अब इस व्लॉग को स्टार्ट से शुरू करते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, और पूरा आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिले। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस टाइम शाम के 4:30 बज चुके हैं, लेकिन हमारा प्लान बन गया कि हम इस टाइम जाएंगे रेड फोर्ट, 6 बजे शायद बंद होता है। तो चलिए यहाँ से रिक्शा पकड़ लेते हैं, बस 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, लेते हैं रिक्शा और देखते हैं क्या किराया वगैरह क्या लेते हैं यहाँ से। तो पहुँचते हैं रेड फोर्ट। आओ भाई, आ जाओ भाई, रेड फोर्ट चलते हैं। 30 रुपये अंकल ने कहा कि 30 रुपये वहाँ तक है, चलते हैं। बस वो है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो है हमारे सामने ही। ये कितने बजे बंद होता है अंकल? 5 बजे, तो 5 बजने वाले हैं। अभी 1 घंटा बाकी है, टिकट 1 घंटा 30 रुपये का। अच्छा अच्छा, उसके बाद बजे बंद कर देगा। चलिए देखते हैं क्या रहते हैं, कितने बजे बंद होगा, क्या होगा, टिकट वगैरह मिलेगी कि नहीं। अगर नहीं भी मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूम के आ जाएंगे, कल जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। तो फिलहाल रिक्शा की सवारी ही होगी। पे निकाल के रखते हैं, थोड़ी जल्दी होगी। चलो भैया, चलो देख लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, टिकट्स वगैरह देखते हैं, अगर मिली तो चलेंगे अंदर। मुगल्स के द्वारा बनाया गया एक और खूबसूरत महल, यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास जो भी महफिल होती थी ना, यहाँ पे लगती थी उनकी। और शाहजहाँ ने वो जो मस्जिद इससे पहले मैंने आपको दिखाई, वो इसीलिए इसके बिल्कुल सामने अपोजिट हाइट पे बनवाई थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये बनाया गया था कि दुश्मन जो हैं वो किले से दूर रहें, उसके लिए यहाँ पे ये बनाया गया था। इसमें पानी वगैरह होता था कुछ, या तो आग वगैरह लगा देते थे, उसके लिए ये बनवाया गया था। और किले की दीवारें काफ़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, अभी भी काफ़ी सारे कबूतरों ने इनमें अपना घर बना लिया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाह भाई, मज़ा आ गया देख के। तो इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं मुगल्स के ज़माने में आ चुका हूँ, क्योंकि आज तक तो मूवीज़ ही में देखा था ये इतना बड़ा किला आंखों के सामने आज हम देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी टिकट्स वगैरह देखेंगे, अगर हमें मिल गई तो इसी टाइम हम जाएंगे अंदर।
सामने ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लाहौरी गेट, जिससे हम एंटर होते ही पहुंच जाएंगे छत्ता बाजार। तो जी हमारी एंट्री हो गई है किले में। ये देखो, सोच भी नहीं सकते आप कितनी हाइट है इसकी। तो ये है मेन एंट्रेंस। ये देखो भाई कितना बड़ा महल है। चलते हैं हम अंदर। अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट भी लगा है अंदर। अच्छा, जहाँ किसी टाइम पे सिपाहियों की ये होती थी, मतलब दोनों साइड से सिपाही रहते थे रक्षा करने के लिए, वहाँ पे आज ये सामान मिल रहा है सबसे ज़्यादा। देखो भाई कैसा मार्केट लगा है आज। यही होती है वक्त वक्त की बात। दोनों साइड मार्केट लगा है और देखो पुराने दरवाजे वहाँ पर दिख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। महल देखो कितना खूबसूरत है अंदर से। आपके दो दो काम यहाँ पे हो जाएंगे जब भी आप यहाँ पे आओगे। एक तो आप हिस्टोरिकल प्लेस जो है इसको भी एक्सप्लोर कर लोगे और साथ ही साथ आप काफ़ी सारा सामान जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। देखो यहाँ आगे पार्क्स वगैरह कुछ हैं। हम पहले आगे से आते हैं, उसके बाद हम उस साइड चलेंगे। आगे तक देखते हैं कैसा है ये। जितनी तारीफ आप करोगे ना उतनी कम है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह राशिद सरफराज पधार रहे हैं। ये राजी तख्त तो ताज, यहाँ पे शायद बादशाह बैठा करते थे, तख्त है ये। किला जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो एक एंट्री हमारी जहाँ से हुई, उसके बाद ये है जिसमें मार्केट वगैरह आपने देखा था, उसके बाद है ये। और यहाँ पे जो है जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा रहते हैं दोनों साइड, बीच में से राजा गुजरता है। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर राजा बैठता था, शाहजहाँ जी जिन्होंने ये बनवाया था स्टार्टिंग में, तो वही बैठते थे यहाँ पे, आसपास उनके बाकी मेंबर्स जो होते हैं। तो देखो कितना खूबसूरत है और अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। फिलहाल हम थोड़ा पीछे तक जाते हैं फिर वापस चलते हैं। हम हमारे पांव थक गए चल चल के, लेकिन ये पूरा जो एरिया है अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। खैर अभी के लिए हम वापस चलते हैं और प्लान बन गया। तो हमारे जो एक और फ्रेंड आए थे हमारे साथ इमरान, तो उनके साथ फिर से दोबारा यहाँ पे आएंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल चलते हैं जी हम वापस। तोफ चलाएगा। थर्टी मिनट्स